नमस्कार दोस्तों मैं हूं आप सब की प्यारी प्रियंका पंडित और आप सब देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी काफ़ी लोग मुझसे एज यूजल पूछते हैं कि प्रियंका जी आप भोजपुरी में कैसे आए कैसे अपने करियर का स्टार्टिंग किया वगैरह तो पहले सबसे पहले मैं गुजराती फिल्में की करती थी एट द एज ऑफ आई थिंक आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई करियर और तकरीबन मैंने तीन चार गुजराती फिल्में करने के बाद मुझे एक पार्टी में राजकुमार पांडे जी मिले जिन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का यश चोपड़ा कहा जाता है और उन्होंने मुझे मेरी पहली भोजपुरी फिल्म ऑफर की जिसका नाम था जीना तेरी गली में और उस फिल्म के डायरेक्टर भी वही थे और उस फिल्म के हीरो थे प्रदीप पांडे चिंटू जो उनके सुपुत्र जी हैं और बस वहीं से मेरी भोजपुरी फिल्मों का करियर स्टार्ट हुआ जैसे कि सबको पता है कि फैमिली अग्रीड नहीं थी भोजपुरी फिल्मों के थोड़े से खिलाफ थी क्योंकि वलगैरिटी वगैरह डबल मीनिंग के गाने ये सब की वजह से एक साल कन्विंस करने के बाद उन लोगों को फिर कम किया मैंने जाने मन से और प्रोड्यूसर थे प्रेम राय जी और डायरेक्टर थे अरविंद चौबे और मेरा अपोजिट हीरो थे खेसारी लाल यादव जी और उसी फिल्म से लोगों ने मुझे और ज़्यादा जाना पहली फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी लेकिन सेकंड फिल्म से और ग्राफ बढ़ा बढ़ गया मेरा और फिर उसके बाद मानो कि सिलसिला चलता रहा भोजपुरी ऑडियंस का इतना इतना ज़्यादा प्यार मिला कि फिर कभी ऐसे पलट के देखने का मौका नहीं मिला कि नहीं करूँ कि घर वापस चले जाऊं और उसके बाद कंटिन्यू ढेर सारी फिल्में की जाने मन जो जीता वो सिकंदर हीरो नंबर वन तीनों के सारे जी के साथ की फिर पवन जी के साथ लागी नहीं छोटे रामा कर्ज विरासत के मानो ये वो फिल्में थी जिसने मेरे ग्राफ को और ज्यादा बढ़ा दिया और लोगों ने मुझे एज ए प्रियंका पंडित एक्सेप्ट किया मेरा मुझसे कहा पूछा जाता है इससे पहले काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं कहती हूँ कि दीवाने का किरदार मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक गूँगी लड़की का किरदार निभाना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है दीवाने को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और लोगों का मुझे जैसे कि फेसबुक पे मैसेजेस भी आते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है दीवाने में जैसे कि आप जानते हैं हमारे भोजपुरी में इतना कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलती है किसी चीज़ को लेके मैं चमेली की करीना कपूर वाला कैरेक्टर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया और जैसे कि अभी आपने फर्स्ट लुक भी देखा होगा बेगम जान का जो विद्या बालन जी ने निभाया है बेगम जान में वे वैसा कुछ किरदार करना चाहती जो थोड़ा सा हटके हो फीमेल ओरिएंटेड हो और थोड़ा चैलेंजिंग हो ये फिल्म का नाम है रेम्बो राजा और फिल्म के डायरेक्टर हैं धीरू जी प्रोड्यूसर हैं एल्बर्ट जी और महेश वर्मा जी और फिल्म के हीरो हैं संजीव मिश्रा जी और विलन है संजय पांडे जी और एक और एक्ट्रेस है रितु सिंह जी और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ कैरेक्टर मिला है प्ले करने के लिए पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर दिया है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये फिल्म करके और अभी तक का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा अभी रिलीज़ होगी जैसे कि अभी कुछ आई थिंक एक वीक के अंदर आई थिंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ट्रेलर रिलीज़ हो जाएगा फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिलीज़ होगी शहनशाह और इलाहाबाद से इस्लामाबाद ये तीन फिल्में रिलीज़ होगी প্ল্যানেট ভোজপুড়ি